नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसने पहली बार 400 बिलियन डॉलर का आंकड़ा छू लिया है और इसकी जानकारी दी है खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके। और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि इंडिया ने एक टारगेट सेट किया था 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करने का और फाइनली इंडिया ने पहली बार इसे अचीव कर लिया है। और इसके लिए मैं इंडिया के फार्मर्स, वीवर्स, एमएसएमईज, मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स सभी को इसकी बधाई देना चाहता हूं। दिस इज ए की माइलस्टोन इन अवर आत्मनिर्भर भारत जर्नी। और अपने ट्वीट के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी शेयर किए हैं लोगों के साथ और ये काफी इंटरेस्टिंग है, यू शुड नो इट। और देखिए ये जो पहला ग्राफिक है इसमें बताया गया कि कैसे इस चीज को अचीव किया भारत सरकार ने। इसका टाइटल है हिस्ट्री स्क्रिप्टेड, इंडिया अचीव्स इट्स हाईएस्ट एवर गुड्स एक्सपोर्ट टारगेट ऑफ 400 बिलियन डॉलर्स। और देखिए इसमें बताया गया है कि ये जो टारगेट है ये टारगेट डेट से 9 दिन पहले ही अचीव कर लिया गया। आप लोगों को मालूम होगा जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है और अभी 31 मार्च में 9 दिन बाकी थे और उससे पहले ही इंडिया ने ये आंकड़ा छू लिया। तो देखिए इस रिप्रेजेंटेशन में गवर्नमेंट की उस अप्रोच के बारे में बताया गया है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। पहला इसमें बताया है होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच विद क्लोजर इंटरेक्शन एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट्स। सेकंड है क्लोजर एंगेजमेंट विद एक्सपोर्टर एंड फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ इश्यूज। और थर्ड है एक्टिवली एंगेजिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, इंडस्ट्री एसोसिएशंस एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो देखिए इसके लिए गवर्नमेंट ने कई फील्ड में मिलकर काम किया स्टेट गवर्नमेंट के साथ और तब इंडिया फाइनली ये टारगेट अचीव कर पाया है। अब देखिए एक और स्लाइस दी गई है प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट में, उसमें काफी इंटरेस्टिंग आंकड़ा दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि अगर पर मंथ की बात करें तो हम हर महीने 33 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज की डेट में, और अगर पर डे की बात करें तो पर डे 1 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया आज की डेट में हर घंटे 46 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। थर्ड स्लाइड में इंडिया के एक्सपोर्ट का कंपैरिजन दिखाया गया है 2020-21 से लेकर 2021-22 के बीच में। अगर इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में तो ये आंकड़ा था 292 बिलियन डॉलर्स का, यानी एक साल पहले इंडिया 292 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट कर रहा था। लेकिन 2021-22 में इंडिया के एक्सपोर्ट में 37% की ग्रोथ हुई है और आज ये आंकड़ा 400 बिलियन डॉलर्स को छू गया है। और देखिए सीरियसली इट्स अ गुड न्यूज, अगर इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी हो रही है और इसका मतलब ये कि हर सेक्टर में ग्रोथ हो रही है क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफी डाइवर्स है और इंडिया काफी चीजें एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। इस बारे में बात करेंगे कि इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है और क्या क्या इम्पोर्ट करता है अदर कंट्रीज को। देखिए कुछ दिन पहले ही इंडिया के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने क्लेम किया था कि 14 मार्च तक इंडिया के जो एक्सपोर्ट का आंकड़ा है वो 390 बिलियन डॉलर को टच कर चुका है और हम इस फाइनेंशियल ईयर में 100% 400 बिलियन डॉलर का आंकड़ा छू लेंगे। और अब देखिए मार्च 31 से 9 दिन पहले ही इंडिया ने फाइनली ये आंकड़ा टच कर लिया। देखिए आप लोगों को पता होगा इंडिया जो है इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है कि 2024-25 तक इंडिया की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है। इंडिया की इकोनॉमी फिलहाल 2.93 ट्रिलियन डॉलर्स की है और अगर इंडिया को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना है तो इसके लिए इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए थोड़ा सा बात करते हैं कि इंडिया एक्चुअली क्या क्या एक्सपोर्ट करता है अदर कंट्रीज को और क्या क्या इम्पोर्ट करता है अदर कंट्रीज से, साथ ही ये भी जानेंगे कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडिया के लिए टॉप एक्सपोर्टर हैं और इंडिया के लिए टॉप इम्पोर्टर हैं। अब देखिए अगर बात करें कि भारत क्या निर्यात करता है, इट मींस व्हाट इंडिया एक्सपोर्ट्स, तो इंडिया जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल, जेम्स एंड ज्वेलरीज, प्रेशियस स्टोन्स, इंजीनियरिंग गुड्स, एपरल्स, कंप्यूटर मशीनरीज, कार्बनिक रसायंस, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, आयरन एंड स्टील एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब अगर बात करें कि व्हाट इंडिया इंपोर्ट्स, यानी इंडिया क्या क्या आयात करता है, तो वो है क्रूड ऑयल, गोल्ड, पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, ऑयल, वैक्स, प्लास्टिक और मेडिकल इक्विपमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर आपको पता ही होगा कि इंडिया के इंपोर्ट में जो सबसे बड़ी कमोडिटी है वो है क्रूड ऑयल, क्योंकि इंडिया अपनी जरूरत का सिर्फ 17% क्रूड ऑयल ही प्रोड्यूस करता है और 83% इंपोर्ट करता है। अब देखिए अगर ऐसी कंट्रीज की बात करें जो इंडिया को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, यानी जिन कंट्रीज से इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, तो ऐसी 5 कंट्री में टॉप पर है चाइना, सेकेंड नंबर पर है अमेरिका, थर्ड नंबर पर संयुक्त अरब इमीरात, फोर्थ नंबर पर सऊदी अरब, फिफ्थ नंबर पर इराक, सिक्स नंबर पर स्विट्जरलैंड, सेवन्थ नंबर पर हांगकांग, एट पर कोरिया रिपब्लिक, नाइन्थ पर सिंगापुर और टेंथ पर इंडोनेशिया। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, जाहिर है उनसे इंडिया सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है,
लेकिन जो स्विट्जरलैंड दिखाया गया है यहां से सबसे ज्यादा सोना इंपोर्ट किया जाता है इंडिया द्वारा। अब देखिए यहां पर आपको एक बात और बता दूं कि चीन से इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है और चीन के साथ जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल ये $80 बिलियन का है। इसका मतलब ये कि इंडिया चाइना को जितना भी एक्सपोर्ट करता है उससे $80 बिलियन ज्यादा के प्रोडक्ट इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से। अब अगर बात करें ऐसी कौन कौन सी कंट्री है जिन्हें इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तो फर्स्ट नंबर पर है अमेरिका। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का जो 15% है वो यूएसए को जाता है। सेकंड नंबर पर यूएई यानी यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात, थर्ड नंबर पर चाइना, फोर्थ नंबर पर हांगकांग, फिफ्थ नंबर पर सिंगापुर। तो दिस इज रियली गुड न्यूज के इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो $400 बिलियन के आंकड़े को छू चुका है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।